सभी देशवासियों को रेख मेरा आनंद तरफ से नमस्ते। दोस्तों, आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसके पूरे विश्व के बारे में भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर प्रकाश जी बताएंगे। उनसे मैं आज जानने आई हूँ कि आजकल रिलेशन में औरतों का ही शोषण हो रहा है, क्या पुरुषों का भी हो रहा है या फिर औरतें पीड़ित हैं। इस पूरे विषय पर चर्चा भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर जी सुखविंदर गोका जी बताएंगे। सर बताइए, पब्लिक जानना चाहती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर रेखा महाराणा जी आज भारत की जनता के सामने आई, इनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। क्वेश्चन रखा कि हर रिलेशन में क्या औरतें ही पीड़ित हैं, पुरुष पीड़ित नहीं है। तो मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सिर्फ औरतें ही पीड़ित नहीं है, औरतों से ज्यादा पीड़ित आज पुरुष है। भारत का कानून जितने अधिकार औरतों को देता है उतने अधिकार पुरुषों को नहीं देता। यह बात सच है कि हर पुरुष के दिमाग में यह है कि यह समाज पुरुष प्रधान देश है, जो भी मन में आए वो पुरुष कर सकता है और वो करता भी है। लेकिन जो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, वो स्त्रियों के साथ खड़ा है। एक स्त्री किसी भी निर्दोष पुरुष को जो भी धारा लगवाना चाहे वो धारा लगवा सकती है। तो जो हमारा परंपरागत रिवाज था पुरुष प्रधान समाज का और जो आज है कानून के हिसाब से समाज का चलना, इन दोनों चीजों में दिन रात का अंतर है। पहले औरतों को अपने पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति एक स्त्री को अपने पैर की जूती नहीं समझ सकता, क्योंकि औरतों को पुरुष के बराबर ही नहीं बल्कि पुरुषों से भी ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो रेखा महाराणा के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने मैं एक बात दिल खोल के रखना चाहता हूं कि जितनी भी स्त्रियां पुरुषों से पीड़ित है वो कानून का सहारा ले, कानून आपके साथ है। बातों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और रेखा महाराणा को बार बार देश की जनता के लिए जो इतने अच्छी आवाज उठा रही है, इस चेहरे को मैं बार बार दिल की गहराइयों से सलाम सलूट करता हूं कि हमारे स्टूडियो में आते रहें और देश की जनता को सचेत करते रहें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।